अमेरिका मुहैया कराएगा यूक्रेन को हथियार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंजित और आपके साथ। रूस यूक्रेन जंग में नाटो की भूमिका पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति नाटो पर धोखा का आरोप लगा चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को सैन्य हथियार जो है वो मुहैया कराएगा। रूस यूक्रेन जंग का तीसरा दिन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ नाटो पर भी धोखा देने का आरोप लगाया था। माना जा रहा था कि इस जंग में यूएस और यूक्रेन के साथ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो, रूस का कहना है कि यदि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने के लिए छोड़ देता तो शायद उसका ये हाल ही होता। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर नाटो क्या है और क्यों उसको उससे रूस जो है इतना चिढ़ता है। नाटो और उसके मूल सिद्धांत के बारे में आपको बताते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1949 में बना एक सैन्य संगठन है, जिसमें शुरुआत में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस सहित 12 देश शामिल थे। दिया इस संगठन का मूल सिद्धांत यह है कि यदि किसी देश पर हमला किया जाता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। इसलिए माना जा रहा था कि नाटो मुश्किल घड़ी में यूक्रेन की मदद करेगा, मगर अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका जो है वो सैन्य हथियार यूक्रेन को मुहैया कराएगा, लेकिन अभी जो मंजर दिख रहा है रूस और यूक्रेन के बीच का, उससे यह स्थिति साफ हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है अभी जो आ रहा था मामला कि नहीं, कई लोग आशंका जता रहे थे कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो रूस द्वारा इस तरह से परेशान करे जाने पर, रशिया के जो परेशान करने पर, हमला करने पर यूक्रेन छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें, ताजा अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन जो है हार नहीं मानने वाला, मैं जो है यूक्रेन छोड़कर अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इस वक्त की लाइव अपडेट आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आप तक पहुँचा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और ना ही उनका परिवार देश छोड़कर भागेगा। और इसी बीच अमेरिका जो है और यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आया है। तो अगर ये युद्ध जो है अब तक थम जाती तो महायुद्ध जो है, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी जो आशंका जताई जा रही थी वो अब लग रहा है कि नाटो के देशों से शामिल होने का, जब आर पार का नौबत आएगा नाटो के देशों में तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तब्दील हो जाएगी। अब तक माना जाता रहा है कि अगर जो ये युद्ध है वो थम जाता तो अब तक ये आगे नहीं बढ़ता और नाटो के देश जो है आर पार नहीं आते। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आया है और उसे जो है सैन्य हथियार मुहैया कराने की बात कही है, इससे साफ होता है कि अब जो है पूरी तरह से ये युद्ध जो है महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है और तीसरे विश्व युद्ध की पूरी तैयारी माना जा रहा है। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी